हेलो दोस्तों, मैं हरकेश प्रजापति आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड में कैसे अपना फ़ोटो या वीडियो लगा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आप इस प्रकार से अपने सरकारी मोबाइल के कीबोर्ड में अपना फ़ोटो या वीडियो कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, दिखने में भी बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। कोई भी देखेगा तो पूछेगा, भाई ये तूने कैसे किया, बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल की घंटी को दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, तो चलिए प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ सर्च करना है WAVE कीवर्ड। ये देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर में आ गया है कीवर्ड बैकग्राउंड एनिमेशन। ये देखिए, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा कुछ, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ लोडिंग लेगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ देखिए स्विच वाई कीबोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ परमिशन को अलाउ करना है, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ लोकल में जाना है, लोकल। ये देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ लोकल में जाना है। यहाँ देखिए प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, क्रिएट ए न्यू, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। चॉइस इमेज, जिस फ़ोटो को आप लगाना चाहते हो उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ गैलरी में जाते हैं। ये देखिए, मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इसको। चलिए अपने अनुसार से क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस पर क्रॉप पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से सेट हो गया है। अपने अनुसार कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ, और कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं अपने अनुसार से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ अलग अलग शेप का है, जिस शेप में रखना चाहते हो आप उस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इस शेप में रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ सेव कर लेते हैं। चलिए यस कर देते हैं। ये देखिए, हमारा कीवर्ड सेट हो गया है। ये देखिए, बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो तो यहाँ चॉइस वीडियो पर क्लिक करना है। जिस वीडियो को आप लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, एक ही है, तो चलिए उसको लगा के देखते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए, वीडियो चल रहा है, छोटा सा है वीडियो, ये देखिए चल रहा है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने अनुसार से, यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ सेव। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। आप भी अपने सरकारी मोबाइल के कीबोर्ड में अपना फ़ोटो या वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, कोई भी देखेगा बोलेगा कि भाई ये तूने कैसे किया, बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूँ वीडियो आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी प्रकार सरकारी मोबाइल के कुछ ट्रिक्स लाते रहता हूँ इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।